created with free version for non-commercial use. दोस्तों सिर्फ ये दिल सर पर लगाओ, बाल गिरना बंद और बाल लंबे भी हो जाएंगे। बाल लंबे भी करता है ये नुस्खा और मजबूत भी। दोस्तों सिर्फ एक हफ्ते में बालों को मजबूत और बेहद लंबा करिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस तेल की मदद से जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप यानी कि अब मुझे लेडीज देख रही हो आप, तो अगर आपके बाल आपकी मांग वाली जगह से यानी कि सर पर जहां से मांग निकलती है उस जगह से बाल बहुत ज्यादा गिर चुके हैं यानी कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो चुका है और आपका जो गंजपन है वो नजर आ रहा है, तो दोस्तों जैसा कि कंडीशन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस तरह से अगर आपका गंजपन निकल आया है तो इसको खत्म करने का बहुत ही आसान अमल है। और उनके लिए, उन मर्दों के लिए, उन लड़कों के लिए, उन जवान लड़कों के लिए जिनका हेयर फॉल हो रहा है और उनकी उनका माथा बहुत ज्यादा बाहर निकला है यानी कि उनके माथे से बाल खत्म हो चुके हैं, ऊपर सर वाली जगह से भी गायब हो चुके हैं, तो वो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। और वो लड़कियां, वो औरतें जो बालों को लंबा करने की ख्वाहिशमंद हैं, बालों को मजबूत और लंबा करने का उनका बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें इस नुस्खे में डलती हैं, इस होम रेमेडी में डलती है जो कि बहुत ही सस्ती और बहुत ही आजमूदा है। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें इस नुस्खे में डलती हैं, दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा इनको बनाना कैसे, और तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इसको बालों में लगाना कैसे है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की जाने, मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या चीज डली है। सबसे पहले दोस्तों हमें लेना है प्याज। ठीक है, प्याज को स्लाइस में तकसीम कर देना है, टुकड़ों में तकसीम कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बारीक बारीक प्याज को अलग-अलग करके पूरे दो प्याजों को, छोटे प्याज हैं तो दो कर लीजिए, अगर बड़ा प्याज है तो एक ही काफी है। ठीक है, टुकड़ों में तकसीम करिए और तकरीबन पूरा एक प्लेट जो है वो आप प्याज की ले लीजिए, प्याज के स्लाइस की। ठीक है, यानी प्याज के टुकड़ों की। दूसरे नंबर पे है दोस्तों ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, तकरीबन से तकरीबन एक कप आपको चाहिए, अगर ये इतनी सी कटोरी आपके पास है तो ये एक पूरी आपको चाहिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है कलवंजी यानी ब्लैक सीड्स। ठीक है, कलवंजी में चूंकि मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज मौजूद है, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत सारी अफादियत रखी है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज रखा हुआ है और ये बालों की और चेहरे की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कलवंजी हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच पूरी भरी हुई। ठीक है, एक चम्मच हम ऐड करेंगे। सबसे पहले अब बनाने का तरीका यह है कि एक प्याज, ये जो प्लेट आपको मैंने बताई है पूरी भरी हुई स्लाइस में तकसीम हुई, एक प्याज की प्लेट को एक कटोरी तेल में, बल्कि एक जो कप है पूरा वो आप ले लीजिए, पूरा एक कप ऑलिव ऑयल का आप फ्राई पैन में फेंकिए। ठीक है, डालिए उसको, हल्का सा गर्म होने दीजिए और ऊपर से ये जो प्याज है, प्याज की प्लेट, ये आपने टुकड़ों में तकसीम की हुई बीच में डाल देनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा पकाना है, पांच मिनट तक हल्की आंच पर। ठीक है, जब ये थोड़ा थोड़ा यानी प्याज मामूली सा ब्राउन होता जाए तो साथ ही आपने कलवंजी एक चम्मच इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, जब कलवंजी इसमें ऐड हो जाएगी फिर आपने प्याज को टोटली ब्राउन कर लेना है। ठीक है, यानी जले नहीं, हल्की आंच पर पकाइएगा, फ्लेम हल्का होना चाहिए और तकरीबन से तकरीबन इसको पकाइए, तकरीबन 15 मिनट इसको पकाएं हल्की आंच पर, प्याज ब्राउन हो जाए हल्का हल्का, यानी बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है, जब जलाना नहीं है प्याज को, जब ये ब्राउन हो जाए तो आपने चूल्हे का फ्लेम बंद कर देना है और इसको चूल्हे पर से उतार लेना है। ठीक है, और फिर इसको छननी की मदद से प्याज और कलवंजी को छान लें और खालिस तेल आपके पास निकल आएगा। इस तेल को आप किसी जार में महफूज कर लीजिए,
इसको आप एक माह तक महफूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड वन स्टेप है हमारा, इसको बालों में लगाना कैसे है। ठीक है, अब बालों की जो जिल्द है, जहां पर आपका गंजपन है, वहां पर इस तेल का मसाज करें, टका कर मसाज करें अच्छी तरह से। ठीक है, बालों की जो जो सर की स्कल है, खोपड़ी है, उसके ऊपर आपने लगाना है, यानी जिल्द के ऊपर आपने लगाना है। ठीक है, लगाकर अच्छी तरह से पूरे सर के ऊपर मालिश करें, माथे के ऊपर भी मालिश करें, ताकि आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, और दौरान खून बहाल हो जाए आपके सर में। ठीक है, जब दौरान खून बहाल होगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, और ये जो तेल है ये आपकी जड़ों में जाकर, नसों में जाकर आपके आपको बहुत ज्यादा ताकत देगा, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा और आपके गंजपन को खत्म करेगा और बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। दोस्तों फिर इसको लगा कर आप रात को सो जाए, ठीक है, और सुबह उठकर आप किसी भी जो आप रेगुलर बुनियाद पर शैम्पू यूज करते हैं या करती हैं तो आप वो यूज कर लें, तो इंशाल्लाह हफ्ते में 5 बार या 4 बार इसको अमल इस अमल को करें। बेशक एक दिन छोड़कर करें, बेशक 2 दिन छोड़कर करें, लेकिन 3 दिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा अमल करें, या फिर रेगुलर भी 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 दिन। ठीक है, लेकिन यह है कि दोस्तों आपने सब्र तहम्मुल के साथ काम लेना है, इंशाल्लाह एक माह के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बल्कि हफ्ते के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी बढ़ रही है और कितनी जो गिरने वाली ग्रोथ है वो रुक गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की रेमेडी मैंने आपको बताई है, और याद रखिएगा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देसी हेल्थ टीवी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Created with free version for non-commercial use. Har khata pe sharmsar hoon main, ae khudaya gunahgar hoon main, jaan kar bhul kar jo kiya hai.